नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे पास काफ़ी बार रिक्वेस्ट आती है कि दी आप फुल सोफे का कवर बनाना बताइए कि कैसे फुल सोफे का कवर हम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक पुरानी बेडशीट का यूज़ कर रही हूँ और मैं अभी आपको वन सीटर सोफ़े का कवर फुल बनाकर बता रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको आपके बड़े सोफ़े का कवर भी बनाना है। मेरे पास बेडशीट छोटी थी तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपको एक सोफ़े का कवर बनाकर यहाँ पर बताया है। तो ये सोफ़ा मेरे पास ये सोफ़ा है तो इसका कवर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आप जो भी आपके पास सोफ़ा हो, जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, सेम आप वही फॉलो कर पूरे सोफ़े का कवर बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीट के ऊपर अपने जो ये बेडशीट है इसको रखा है। रखने के बाद जो चौड़ाई लंबाई सोफ़े की है उतनी मैंने मेज़र की है और मैंने डायरेक्ट उतने पे ही मार्क कर लिया है कट कर। सेम उतना ही पार्ट मैं यहाँ पर अपने सोफ़े की शीट के फैब्रिक का यहाँ पर कट कर मैं निकाल लूँगी। पर मैंने अपने सोफ़े की सीट का कवर तो निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं सेम ही बेडशीट का यूज़ एक पूरी इसी बेडशीट से मैं इसका कवर बना रही हूँ। तो अब मैं एक बार इसको सेट कर लूँगी कि ये फैब्रिक सेम साइज़ का मैंने कट किया है या नहीं। अब उसके बाद मैंने जो बाकी बेडशीट बची है उसको उठाया और फिर मैंने उसको ऊपर की तरफ रखा है। जो जिस पैटर्न में मेरे सोफ़े का पैटर्न जो भी डिज़ाइन में बना हुआ है, सेम उसी डिज़ाइन में मैंने उसके ऊपर कपड़ा रखा और उसी डिज़ाइन को मैं मार्क कर लूँगी। जैसे नीचे की तरफ कम है और ऊपर की तरफ थोड़ा एक पिलो टाइप का डिज़ाइन है, तो मैं ऊपर वो डिज़ाइन लेते हुए नीचे की तरफ मैं मार्क कर लूँगी। जैसे हम मार्क करेंगे सेम वैसे ही हमें अपने कपड़े को कट कर लेना है। इस टाइप से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड है अपने सोफ़े का फुल कवर बनाने के लिए। तो अब मैंने दोनों साइड से मार्क कर लिया है। अब फैब्रिक को मैं रखूँगी और जैसा मैंने मार्क किया है सेम उसी डिज़ाइन में मैं इस कपड़े को कट कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, जो सोफ़े का हेड है उसका कवर कट कर लिया है। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न मेरे सोफ़े का है, तो इसी टाइप से मैंने इस फैब्रिक को कट किया है और इस तरीके से मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमें ये जो दोनों जो सीट और हेड है इन दोनों पार्ट्स को हमें आपस में जॉइन करना है। दोनों पार्ट्स को हम स्टिच कर लेंगे। उल्टा दोनों का उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ और सीधा पार्ट अंदर की तरफ कर हम दोनों को सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को आपस में सिल लिया है। लीजिए, यहाँ पर फैब्रिक सीट का और हेड का हमने कवर बना लिया है। अब बारी आती है साइड्स की, हैंड्स की। तो यहाँ पर मैंने हैंड के ऊपर कपड़ा रखा है। पहले ऊपर का पार्ट्स बनाएंगे तो हैंड के ऊपर कपड़ा रखा है। ऊपर से लेकर नीचे तक का जितना भी फैब्रिक हमें चाहिए उस हिसाब से हमें कपड़ा रखना है। इसको भी सेम हम मार्क कर लेंगे, जितना हमारा जैसा पैटर्न आ रहा है उसी स्टाइल में हम इसको मार्क कर लेंगे एंड तक, और इसको भी फिर हम कट कर लेंगे। मार्क आप ध्यान से करें, अगर आपने मार्क गलत किया है तो आपका जो नाप है नाप में आपको प्रॉब्लम होगी और इस वजह से जो उसकी जब हम इसको सोफ़े में पहनाएंगे तो टाइट हो सकता है और फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप मेज़रमेंट का ध्यान अच्छे से रखें, अच्छे से आप मार्क करें। अब इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर दो हैंड है तो यहाँ पर मैं साथ ही मैंने दो पार्ट्स कट कर लिए, क्योंकि जो हैंड्स हैं उनका सेम साइज़ है। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स कट कर लिए हैं फैब्रिक के, बेडशीट के। यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स कट कर लिए। अब बारी आती है साइड्स की।
तो यहाँ पर पहले हम सोफे के अंदर वाला साइड कट करेंगे। उसके लिए भी मैंने जो बेडशीट का कपड़ा मेरे पास बचा है उसको मैंने रखा है, थोड़ा सा दबा दिया है और जितना मुझे चाहिए सेम इसमें भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। चोक लेंगे और चोक लेकर जो पैटर्न जैसा सोफे का बना हुआ है यहाँ पे जो गोलाई दी हुई है सेम उसी गोलाई में हम मार्क करेंगे। इस तरीके से आपका कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं कटता है और आप इजीली बहुत अच्छे से जो पैटर्न आपके सोफे का है उसी स्टाइल से उसको कट कर अपने फैब्रिक के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सेम रखा, रखने के बाद जो यहाँ पर साइड्स में गोलाई आई हुई है सेम उसी तरीके के मैंने चौक से मार्क कर लिया और ऐसे ही फिर मैं दोनों साइड्स सोफे के दोनों साइड्स का मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको भी क्या करना है, अब हम इसको जो हैंड का ऊपर का पार्ट हमने कट किया उसके साथ जॉइंट करना है, साइड में जॉइंट करना है और नीचे का जो सीट का फैब्रिक है उसके साथ हमें इसको जोड़ना है। इसको हमें तीन साइड से जोड़ना है, नीचे सीट वाले फैब्रिक के साथ इसको जोड़ना है, ऊपर की साइड जोड़ना है और साइड की तरफ हमें इसको जोड़ना है। ऐसे ही हम इसको ऊपर साइड की तरफ जोड़ेंगे और इसके बाद इसको नीचे की तरफ जो सीट वाला फैब्रिक है हम इसको उसमें जोड़ेंगे और ऊपर की साइड का हमें अटैच करना है। तो ऐसे ही हम इसको तीन साइड से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ जोड़ लिया है, साइड से सीट की साइड मैंने जोड़ लिया है, ऊपर की तरफ जोड़ लिया है और हैंड की साइड का मैंने जोड़ लिया है। और अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है हमें नीचे की तरफ इसको जोड़ लेना है। क्या करना है, जो हैंड सोफे का दूसरा साइड है उसका हैंड भी हमें कुछ इस तरीके से जॉइंट करना है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा साइड भी जोड़ लेंगे। आपस में इसे हमें ऐसे भी स्टिच करना है, ऊपर का साइड जोड़ना है, सोफे के हेड के साइड वाला पार्ट हमें मिलाना है और सीट वाला पार्ट हमें आपस में मिलाना है। तो लीजिए ये हमने आपस में जॉइंट कर लिए हैं दोनों, हैंड के अंदर का पार्ट भी और हैंड के ऊपर का भी। अब बारी आती है साइड्स की, सोफे के साइड्स के पार्ट की। तो अब साइड के लिए क्या करना है, बचा हुआ हमें जो बची हुई बेडशीट है वो हमें लेनी है और उसको हमें फिर से हमें उसको देखना है कि ऊपर की तरफ कितना फैब्रिक लेना है और ऐसे ही हमें इसको अटैच करना है और इसको भी हम सेम इसी पैटर्न में ड्रॉ कर लेंगे। इसी पैटर्न में हम इसमें चौक से मार्क कर लेंगे जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे ही हमें एंड तक चौक से मार्क कर लेना है क्योंकि ये हमें नीचे तक हम बना रहे हैं तो इसको सेम नीचे तक हम मार्क कर लेंगे। जोड़ ले, मैंने दोनों साइड के फैब्रिक को जोड़ लिया है और लीजिए हमारा सोफे का फुल कवर बनकर रेडी है। फ्रेंड्स पीछे की तरफ जो सोफे का पीछे बैक वाला पार्ट है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमें जॉइंट करना है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास बेडशीट का कपड़ा बचा नहीं था तो बैक वाला पार्ट मैंने नहीं स्टिच किया है, बट फ्रंट का और साइड्स का मैंने पूरा आपको स्टिच कर दिखा दिया है। अगर आपको बैक का कवर भी बनाना हो तो सेम ऐसे ही आप बेडशीट को रखें या जो भी फैब्रिक आपको पास हो उसको रखें और आप उसको भी अटैच कर लें। तो लीजिए हमारा सोफे का फुल कवर बनकर रेडी है। तो मुझसे जिसने भी रिक्वेस्ट की थी सोफ़े के फुल कवर की, होप उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद।